अध्ययन वाक्य पढ़ा जम सफला करो। सात संगत जी कल नू खंडे बाटे का अमृत तैयार हो रहा है, सो संगतां नू बेनती की जाती है जिन्हां प्राणियों ने अजे तक अमृत पान नहीं किया कल नू केसी स्नान करके 10 बजे गुरु घर विच पहुंचो जाओ ताकि खंडे बाटे का अमृत छके सतगुर दीआं खुशियां प्राप्त करनी ने। आओ आप संगतां नू पंथ प्रकाश की कथा श्रवण करने लगे ने। सत्कार योग ज्ञानी सुखजीत सिंह कन्हैया बड़े सत्कार नाल प्यार नाल आप संगतां गुरबाणी कथा श्रवण करके सतगुरु के चरणों में हाजरियां लवाके अपना जन्म सफला करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी गुरु नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख ने कंदन अमरदास हृदय नित त्यावो हृदय नित त्यावो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोविंद शुभ सुमते प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाऊं बहोरी तेग बहादर परम कृपाला सतगुर परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विसाला तारों तरा पर पुन पुन सीसा वाहिगुरु पुन पुन सीसा बंदो बार बार जग दीसा जिस महे अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तुम्हारी हम न सकत कर सिफत तिहारी आप लिहो तुम कथा सुधारी एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बदरी केदार औ देश उड़ीसे जगन्नाथ लग आगे बैसे बदरी केदार औ देश उड़ीसे जगन्नाथ लग आगे बैसे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर शवर तख्त दे मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ करके आप सब संगत सतगुरु दी बख्शिश दे पात्र बन रहे हो। उत्थे ही आप जी ने गुरबाणी दा रस भिन्ना कीर्तन सरवण कीता बसंत राग दे अंदर गुरबाणी दे शब्द ओ भाई साहिब पासों सरवण कीते और साहिबे कमाल चौजी प्यारे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा उचारण किया होया श्री दसम ग्रंथ साहब जी दे अंदर जो रागां दा गुलदस्ता खालसा जी ओ भी सरवण किया क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी मुबारक रसना तो
श्री सरबलो ग्रंथ साहब के अंदर 300 राग उच्चारण किए हुए ने ते कलगियां वाले पातशाह जी के दरबार के अंदर राग दरबार लगता ही रहिंदा सी। सो सतगुरु की बख्शिश हुई है जो इतिहास की कथा के अंदर हाजरी भरन वास्ते यह समा नसीब होया है। आओ सतगुरु गुरु नानक साहब नू हाजर नाजर जानते हुए विचार नू आरंभ करिए, पर बेनती है सब तो पहला दोवें हथ जोड़ के साहिबां नू सीस झुकाउंदे हुए प्रेम सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। बद्री केदार औदेस उड़ीसे। सो भाई साहब भाई रतन सिंह जी पंगू दसदे ने कि पाक पटन दे इलाके तो हुंदे हुए मुल्तान देश दे इलाके तो हुंदे हुए धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज बद्रीनाथ केदारनाथ उड़ीसे दे इलाकियां नू तारदे हुए सच्चे पातशाह जी संसार दा भला करदे जा रहे ने। जगन्नाथ लख आगै बैसे। ते जगन्नाथ पुरी खालसा जी जिथे मंगू मठ गुरद्वारा साहिब है उस पावन पवित्र अस्थान दे उत्ते धन गुरु नानक साहब जी ने मुबारक चरण पाए। सच्चे पातशाह जी ने लोकां दे वहमां भरमां दा खंडन कीता ते अकाल पुरख दे नाल जोड़िया, क्योंकि जदों गुरु नानक साहब इस धरती ते पहुंचे तां उस वक्त पंडित लोग इकट्ठे हो करके आरती कर रहे सन ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपनी अकाली बाणी दे विच बयान कीता कि उस रब दी उस खुदा दी आरती ते सारी कुल कायनात कर रही है। गुरु घर की मर्यादा अनुसार हर वक्त रोजाना संध्या वेले रहराज साहब जी दे पाठ तो बाद अरदास हुक्मनामे तो उपरंत आरती जरूर गाई जाती है। हरिमंदर साहब भी पंजे ही तख्तों के उत्ते आरती का जाप जरूर किया जाता है। गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। सो खालसा जी इस पावन पवित्र शब्द का जाप सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने किया और दसिया कि उस अकाल पुरख वाहेगुरु की असी आरती किस तरह करते हैं, कैसी आरती होए, उस परमात्मा की आरती कहो जी होवेगी। बहुत विशाल आरती है जिस परमात्मा नू सूरज भी नमस्कार करता है, जिस परमात्मा नू चंद्रमा नमस्कार कर रहा है, जिस अकाल पुरख वाहेगुरु नू आकाश भी नमस्कार कर रहा है, पवन उस परमात्मा का चौर चला रही है। सो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने कहा भाई कुदरत बनाने वाले कादर की पूजा करो, क्योंकि कुदरत बनाने वाला मालक रब परमात्मा है। अज कई बार दो के किताबां दा ज्ञान लै करके प्रचारक श्रेणी ये गल कह दिंदी है कुदरत ही रब है, कुदरत ही रब है, कुदरत मनो ते रब मन्या जाएगा। पर खालसा जी करता वखरा हुंदा है ते करते दी बनाई हुई कृत वखरी हुंदी है। सो कुदरत परमात्मा दी बनाई हुई एक किरत है, अकाल पुरख वाहिगुरु कुदरत दा मालक है। जे कादर है तां कादर दी करते दी कुदरत है, जे कुदरत रब हुंदी ते गुरु ग्रंथ साहिब कदे ना कहंदे अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सला, गनीम तेरी सिफत मेरे सच्चे पातशाह, तेरी कुदरत वल जदों वेखदा ते सच्चे पातशाह मैनूं तेरे चौज नजर आउंदे ने, तेरे न्यारे रंग नजर आउंदे ने। जमी जमान के बिखै समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाड है, ना घाट बाड होत है। सो सच्चे पातशाह जी जगन्नाथ पुरी गए और इस थां ते जा करके गुरु नानक साहिब महाराज ने आरती उचारण कीती। हिंग खलड़ जिम खलड़ मुसकावै। खालसा जी पुराने समयां दे विच मंगण वाले जोगी खल दी एक झोली बना करके विच हिंग रख लैंदे सी ते जदों उस नूं खोलदे सी उसकी खुशबू उसकी महक उसकी वासना आया करती सी। सच हिंग कहूं ढूंढी ना पावै। पर कहंदे गुरु नानक साहिब ने जदों देशां दा रटन कीता कहंदे सच्चे पातशाह नूं सच रूपी हिंग दी महक नहीं आ रही, वासना नहीं आ रही, क्योंकि संसार तों सच कोहां दूर हो चुकिया सी, झूठ दा फैलाव हो चुकिया सी ते गुरु नानक साहिब महाराज नूं किते भी सच नजर नहीं सी आ रहा।
सज्जन ठग बड़ भगत सदाई। उस वक्त कहंदे एक सज्जन बनिया ठग सी जिदा नाम तां सज्जन सी पर असल दे विच लोकां नूं ठगदा सीगा, अपने आप नूं भगत कहंदा सी पर असल विच लोकां दा धन इकट्ठा करदा सी, लोकां दा धन ठगदा सी, चोरी करदा सी। भगत ओहलै गल लोकन कटाई। कहंदे भगत दे चोले दे थले, संत दे लवास दे थले ओ एक कातल सी। उसने खालसा जी एक स्थान बनाया सी, उस स्थान दे विच मंदिर भी सी ते मसीत भी सी, ते लोकां नूं कहंदा सी मैं भगत आ ते जेड़ा मेरे थां ते आवेगा ओ परमात्मा नाल जुड़ जावेगा, क्योंकि इत्थे सारे धर्मां नूं बराबर समझिया जांदा। ते जदों लोक उहदे डेरे जाया करदे सी, रातां नूं लोक रिहा करदे सी, लोकां दा गल वढ के उहनां दी माया लुट लैंदा सी। ये सच है जिहड़े अज वी खालसा जी आपो अपनियां झूठ दीआं दुकानां खोल करके ते बाद विच नाम सच्चा सौदा रखदे पर हुंदा झूठ दा सौदा है। भावें सारे धर्मां दे अस्थान तां बना लैंदे ने पर सच्ची गल खालसा जी ये हुंदी है कि लोकां नूं अपने वल आकर्षित करन वास्ते उह हर एक धर्म दा अस्थान बना लैंदे ने पर धर्म नूं मन्नदे नहीं, क्योंकि पाखंड झूठ दे सिर ते टिकिया हुंदा है ते इस करके इस तरह लोकां नूं परचाउंदे ने। पर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे करम धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जा गाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावहु करते का। कहंदे तुसी करम धर्म पखंडां विच ना पओ, लुटे जाओगे जे कुछ करना है ते अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दा सिमरन करो, निर्वाण कीर्तन करो, ताई जा करके बंद खलासी होवेगी। सो भाई साहब कहंदे ए सज्जन बनिया ठग सी, ए लोकां नूं भगत दे चोले दे थले बैठा कातल सी, लोक इहदे डेरे रुकदे सी, लोकां दा कतल करके लोकां दी माया लुट लैंदा सी। दोहरा सो सतगुरु जाय सिख कियो साचो ज्ञान दृढ़ाई। ते अज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह इस सज्जन ठग नूं सज्जन बनाउण लई चल गए। खालसा जी सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज दे नाल भाई मरदाना जी सचे पातशाह इस सज्जन ठग दे डेरे जाके रुके। ये गुरु नानक साहब महाराज दे खाने दे विच भी मिलावट करके जहर मिला करके सोचदा सी गुरु नानक नूं लुट लवांगा ठग लवांगा, पर गुरु नानक ते रब है ना ओह मरे ना ठगे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। जदों सज्जन ठग ने धन गुरु नानक साहब दे प्रतापी इलाही नूरानी चेहरे वल तकिया खालसा जी तकदा रह गया ते गुरु नानक साहब महाराज ने बचन किते सज्जना सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। सज्जना कोई बाहरों बोता झुका करके बाहरों मिठियां बोलियां बोल के सज्जन नहीं बनदा, असल विच सज्जन ते रब है, परमात्मा है जेड़ा रब दी दरगाह विच लेखे जोखे विच भी साडी बाह नहीं छड़दा। खालसा जी दुनिया दे लोक दुनिया दे रिश्ते संसार ते माड़ा समा आ जावे ते सच है बोलना बंद कर सकदे ने, बुलाउणा बंद कर सकदे ने, क्योंकि विपत परी सब ही संग छाडत कउ न आवत नेरै। कोई नेड़े नहीं लगदा माड़े समें विच, पर सच है जेड़ा गुरु नानक दी बाह पकड़ लैंदा खालसा जी धन गुरु नानक साहिब महाराज ना इस दुनिया विच बाह छड़दे ने ना रब दी दरगाह विच बाह छड़दे ने। ते मैं एक बेनती करा, कई बार असी अनजान पुणे विच कह जाने आ असी बाबे दी बाह फड़ी हुई है तां करके चढ़दी कला हो रही है। मैं बेनती करा साडे हत्थां विच ताकत नहीं असी गुरु नानक साहिब दी बाह नूं पकड़ सकीए, बल्कि खालसा जी ए भावना वाले बचन करने चाहिए ने, असी भुलण हारां असी बाबे दी बाह नहीं पकड़ सकते, बल्कि असी बाबे नूं अपनी बाह पकड़ा दिती है। ते जिन्हां दी बाह सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज पकड़ लैंदे ने सच्चे पातशाह फिर विपतां दे समें दे विच मुश्किल दी घड़ी दे विच भी अपने प्यारियां दा साथ नहीं छड्डदे। ऐसे किए अनेक सिख को सब सकै गिनाई। जदों सतगुरु गुरु नानक साहिब ने बाणी दा अणियाला तीर मारिया, हर प्रेम बाणी मन मारिया,
अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर परम की सो जाने जरिया जदो बाणी दा अणियाला तीर हिरदे च वजदा ना खालसा जी फिर जाके रब नू मिलन दा चा प्रगट हुंदा फिर अंदर चा प्रगट हुंदा खुदा दे परमात्मा दे दीदारे हो जान सो जदो अणियाला तीर सज्जन ठग दे हिरदे विच वज्या सचमुच सज्जन हो गया गुरु नानक दा सिख हो गया ते भाई रतन सिंह पंगू कहंदे कल्ला सज्जन ठग नहीं पता ही नहीं किन्ने के सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने बाणी दा उपदेश दे करके भवसागर तो पार लंघा दिते लोक कथा प्यारे गुरु नानक साहिब दे अक्सर बचन करदे ने के खालसा जी असमान दे तारे ते कोई गिन सकदा है पर जिन्ने गुरु नानक ने तारे उन्हां दी कोई गिनती नहीं कर सकदा ते सतगुरु गुरु नानक साहिब दा घर ते अज वी लोकां नूं तारी जा रिहा है चौपाई ठगी ते दे ठग हटवाए सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने ठग बाजां नूं ठगी मारन तो हटा दिता कुराहो मोड़ सुब राह दिए पाए ते जेड़े कुराहे पै चुके सन गलत राहे पै चुके सन धर्म नू छड़ चुके सन सतगुरु गुरु नानक साहब ने उन्हां नू कहा भाई असली धर्म की है रब नाल प्यार करना ते रब दे बनाए लोकां नाल प्यार करना जदों रब नाल प्यार हो जावे ते रब दे लोकां नाल भी प्यार जरूर होवेगा सो गुरु नानक साहब ने सीधे रस्ते पा दिते शब्द साखी सच दीने लाए सच्चे पातशाह जी ने सच्ची सिख्या दिती गुर शब्द दी ए धन गुरु नानक साहब महाराज ने अपार बख्शिश कीती जिन्नू भी समझाया बाणी दे अणियाला तीर मार के भाव शब्द दी सिख्या दे नाल समझौना कीता धर्म साल दई बहुत थां पाए ते जिस थां ते गुरु नानक साहब ने बाणी दा उपदेश दिता उत्थे संगतां नू धर्मशाला बना करके दिती मैं कल भी बेनती कीती जिवें अज गुरद्वारा साहब ने हर एक शहर दे विच हर एक देश दे विच सतगुरु गुरु नानक साहब वेले धर्मशाला कहा जाता सी सतगुरु गुरु नानक साहब ने रब दी सिफत वास्ते धर्मशाला लोकां नू बनवा करके दितियां सिख संगत को जोड़ करावै और इस वास्ते धर्मशाला बनाई के धर्मशाला दे विच सारियां संगतां जुड़ करके अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दी सिफत सलाह करन जदों खालसा जी लोग इकट्ठे बह करके संगत करदे ने ते एक रब नू चेते करदे ने फिर सच है फिर आपसी झगड़े खत्म हो जांदे ने आपसी वैर खत्म हो जांदे ने ईरखा खत्म हो जांदी है मना दे विच एक दूसरे प्रति क्रोध खत्म हो जांदा है सो संगत विच आ करके जे तां वी किसे दे नाल ईरखा रह गई है जे संगत विच आके भी किसे ते क्रोध आ रहा है जे संगत विच आके भी किसे दे नाल वैर है ते समझ लियो हजे गुरु नानक दी संगत हुई नहीं क्योंकि जेड़ा गुरु नानक दी संगत कर लैंदा ओ अपने उत्ते चढ़ होए वैरियां नू भी जा करके पानी पिलाउंदा जेड़ा गुरु नानक दी संगत करदा ओ वैरी नहीं वेखदा जाके उन्हां दी भी भाई कन्हैया जी वांग मलम पट्टी करदा सो संगत करन दी निशानी ए है कि सिख दा सिख नाल वैर नहीं रहिंदा निरवैर हो जांदा है क्योंकि सिखां दा गुरू ही निरवैर है पर माफ करना खालसा जी अज दे हालात ने असी धड़े बंदियां विच संस्थावां विच वंडे जा रहे हां पर सानू धड़े बंदियां संस्थावां तों पार्टी बाजियां तों उच्चे उठ करके एक बाणी दे बचन ते पैरा जरूर देना चाहिदा एका बाणी एको गुर एको शब्द विचार साडा गुरु एक है साडा शब्द एक है साडी मर्यादा एक है साडा मुरशद एक है ते फिर भी जे असी धड़े बंदियां विच रह गए ते गुरु रामदास जी दे बचन चेते करने चाहिदे ने हम हर स्यों धड़ा किया मेरी हर टेक हमरा धड़ा हर रहा समाए सिखां दा धड़ा की है सिखां दी संस्था की है सिखां दा धड़ा है रब दा परमात्मा दा नाम ते परमात्मा दा नाम वंडदा नहीं बल्कि परमात्मा दा नाम एक दूसरे नाल जोड़दा है सो सतगुरु गुरु नानक साहब ने लोकां नू एक दूसरे नाल जोड़न वास्ते धर्मशाला बनाई के लोग एक दूसरे नाल जुड़ के बैठन मिलके बैठन ते परमात्मा दी सिफत सलाह करन।
सत नाम को जाप जपावै। और कहंदे धर्मशाला दे विच गुरु नानक साहिब महाराज ने संसारक बातां नहीं कराईयां। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने सत नाम श्री वाहेगुरु दा जाप जपाया, क्योंकि खालसा जी जदों संसार दीयां गल्लां संसार दीयां बातां करदे आ ते जीवन विच फिक पुणा आ जांदा, फिक्का हो जांदा, जबान फिक्की हो जांदी है, पर जदों निरंकार दा मिठा नाम लैने आ ते सचमुच जबान भी मिठी हो जांदी है, जीवन मिठा लगन लग जांदा है, जीवन विच आनंद मिल जांदा है, ते साडी रूह भी पुकार के कहंदी है कि सचमुच आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां, तां जाके ए आनंद मिलदा है जदों संगत विच बैठ के गुरु का सिख सतनाम वाहेगुरु दा जाप जपदा है। और खुलाए का पिछा खाए। और धर्मशाला खोलण दा एक होर बड़ा वड्डा महत्व सी। सतगुरु गुरु नानक साहिब ने जिथे नाम जपण वास्ते धर्मशाला भाव गुर अस्थान बनवाए, उथे गरीबां दी भुखियां दी लोड़वंदां दी सेवा वास्ते भी ए अस्थान बनवाए गए। गुरु की गोलक गरीब का मूह के दसवंद कढ़ के गुरु की सिख संगत ने लोड़वंदां दी सेवा करनी, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਲਿਆਈਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਇਤ ਲਾਏ ਰਾਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ, ਦਇਆ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਰੁੱਖੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਰੁੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਕਿ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਸਮਝ ਲਵੀ ਹਜੇ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਬਾਬੇ ਕੋ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧੰਨ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਨੇਤਰ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ
सारी कुल कायनात नूं साजिया इसे करके गुरु प्यारियां दे बचन ने नाम लईए सो सतगुर नानक दुख दर्द मिटे सो भयानक नाम लईए सो सतगुर नानक सुख संपत्ति मिले अचानक सारी संगत मिलके आखो धन धन गुरु बाबा नानक धन धन गुरु बाबा नानक सारी कुल लुकाई धन गुरु नानक साहब नूं धन धन कहिंदी थकदी नहीं वाहे वाहे गुर आखै तोई ते जिवें सतगुरु गुरु नानक साहिब नूं धन कहिंदे उसे तरह वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु दा जाप जपदे खालसा जी जदों आपां गुरु दी हजूरी विच गुरु की संगत विच बैठ के सतनाम वाहेगुरु कहने आ ना ते ए ना समझियो कि असी सतनाम वाहेगुरु कह दिता ते किसे नूं पता नहीं लग्या मैं बेनती करां जे गुरु दी हजूरी विच आके कोई मन विच भी एक बार वाहिगुरु कह दवे ते सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज सुणदे जरूर ने जदों संगत विच आके असी सतनाम वाहिगुरु कहने आ ते सच जाणियो उस वक्त गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप दे विच गुरु नानक साहिब महाराज अपने सिखां वल चेहरियां वल तकदे होए साडे कीते होए सिमरन नूं वाहेगुरु गुरमंत्र दे अभ्यास नूं सुन रहे हुंदे ने सो इस करके चा दे नाल वाहेगुरु कहना चाहिदा है जिवें बच्चा प्यार नाल अपनी मां नूं आवाज लाउंदा है मां गोद विच बिठाउंदी है गुरु नानक साहिब दी धन गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच आके एक बार प्यार नाल किते वाहेगुरु 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 कह के वेखियो सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज अज भी संगत नूं अपनी गोद विच जरूर बिठाउंदे ने हमको कूड़ो दिए ओ हटवाए सतगुरु गुरु नानक साहिब प्रति उस समय लोग कहंदे ए बाबा धन है क्योंकि सतगुरु गुरु नानक साहिब ने सानू झूठ दे राह तुरन तो बचा लिया है सत शब्द हम दीने लाए सतगुरु गुरु नानक साहिब ने सानू सत नाम वाहेगुरु दे अभ्यास नाल जोड़िया सच्चे परमात्मा दे नाम दी सोझी कराई है देश बंगाल ओ कावरू देश हुण सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जगन्नाथपुरी दे इलाकियां नूं तार दे बंगाल देश विच पहुंचे ए बंगाल देश दे विच जादूगर टूने जंतर मंतर पढ़न वाले बड़े लोग रहिंदे सी ते सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज उन्हां दे पखंडा दा खंडन करन वास्ते हुण बंगाल देश दे विच पहुंचे ने लंघ गए राज त्रिया देश हुण सतगुरु गुरु नानक साहिब ने जिथे बंगाल देश दे विच उन्हां दे जंतरां मंत्रां दा खंडन कीता ते दस्या भाई जे जपना परमात्मा दे नाम नूं जपो क्योंकि परमात्मा दा नाम जंतरां मंत्रां नाल वस विच नहीं आउंदा उह ते भोले भाए मिले रघुराया परमात्मा ते प्यार दे नाल प्रेम दे नाल मिलदा है इस देश नूं तार के सतगुरु हुण राजियां दे इलाकियां वल वधे ने शिव नाभ देश को राजा कहै हुण इक राजा शिव नाभ होया खालसा जी इतिहास दे विच जिहड़े समुंदर दे विच टापू ने इक संगला दीप नाम दा टापू सी उस इलाके दा ए राजा होया राजा शिव नाभ तै जा सतगुर सिख बन वे जदों गुरु नानक साहिब ने इस थां ते चरण पाए राजा शिव नाभ भी धन गुरु नानक साहिब दे चेहरे दा प्रताप वेख के धन गुरु नानक साहिब महाराज जी दे इलाही बचना नूं सुन करके सतगुरां दा सिख बन गया दोहरा उसी देश बाबे गयो जे बोते बेईमान कहंदे भाई रतन सिंह भंगू के गुरु नानक साहिब महाराज ने कोई इलाका नहीं छड्या जिथे बेईमान वध रहिंदे सी क्योंकि बाबा ते बेईमानियां नूं ईमान सिखाउण वास्ते आया सतगुरु गुरु नानक साहिब अधर्मियां नूं धर्म सिखाउण वास्ते आए झूठियां नूं सच्चा बनाउण वास्ते आए जिस देश दे विच ज्यादा बेईमान सन उन्हां थावां ते गुरु नानक साहिब महाराज पहुंच के गए ते सिख भए संगत बनी जान लियो भगवान ते कहंदे बाबे दा प्रताप इन्ना सी भावें जिड्डा मर्जी बेईमान जिड्डा मर्जी जादूगर जिड्डा मर्जी पापी होवे ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
नितनेम करना शुरू कर सकते हैं, पर कोडे राक्षस ने एक बार गुरु नानक दे बचन सुने गुरु दा सिख हो गया। सज्जन ठग ने एक बार गुरु नानक नू सुनिया खालसा जी ओ सज्जन बन गया। भूमिए चोर ने एक बार गुरु नानक दे बचना नू सुनिया चोरी छड़ के भाई भूमिया हो गया, गुरु दा सिख बन गया। माफ करियो अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह अज भी गुरु नानक साहिब बोलदे ने महाराज बाणी दे विचों। जदो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच हुक्मनामा साहिब आउंदा है माफ करना बहुत घट संगत दा ध्यान हुक्मनामा साहिब वल हुंदा है, पर माफ करना जदो गुरु ग्रंथ साहिब दा हुक्मनामा साहिब आउंदा है ए ना समझियो कोई पाठी सिंह ताबिया ते बैठ के पाठ कर रिहा है, बल्कि जदो हुक्मनामा साहिब पाठी सिंह बोलदा है वह पाठी नहीं बोलदा, बल्कि पाठी दे विचों बाणी दे राही गुरु नानक साहिब खुद बोल रहे हुंदे ने ते दर आई संगत नूं उपदेश दे रहे हुंदे ने कि सिखा इन्हां बचना ते पहरा दे के अपने जीवन विच बदलाव लिया। सो जतन करिया करो जदो हुक्मनामा साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दा ग्रंथी सिंह वजीर सिंह सुना रहे होण ते प्यार नाल गुरु दे चरणा विच भावना बना करके हुक्मनामे नूं सरवण करके फिर उहदे अर्थां नूं समझ करके खालसा जी उन्हां अर्थां दे मुताबक अपने जीवन नूं ढालना चाहीदा, जीवन विच बदलाव लियाउणा चाहीदा। चौपई गयो कलू तहि ते कर कूच। कहिंदे सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह ने जिथे भी चरण पाए उत्थों कलयुग जिहड़ा सी भजदा ही नजर आया, भाव जे सतगुरु गुरु नानक साहिब जिस थां ते चरण पा देंदे सी उत्थों पापी लोक पाप पुना छड देंदे सी, बेईमानी छड देंदे सी, झूठ बोलना छड देंदे सी ते सतगुरां दे बचनां नूं जीवन विच कमा लैंदे सी। लिखी ना सभी कही कर सूच। भाई रतन सिंह भंगू कहिंदे गुरु नानक साहिब महाराज दा जीवन अगाध बोध है, एक कलम द्वारा की लखां कलमां द्वारा जे समुंदर दे पानी दी स्याही भी बना लवां, समुंदर दी स्याही बना लवां तां वी गुरु नानक साहिब दे जीवन नूं लिखना बहुत कठिन है, इस करके झलक मात्र पंछी झात ही दस रहा हां। औजू सब ही साखी लिखाऊ। क्योंकि जे सारियां साखियां केवल गुरु नानक साहिब महाराज दी लिखाउणा करा ग्रंथ बदै ओ अंत न पाऊ। ता कहंदे ग्रंथ वधदा जावेगा वधदा जावेगा वधदा जावेगा पर गुरु बाबे दी साखियां दा अंत नहीं पाया जाना, धन गुरु नानक साहिब दी रहमतां दा अंत नहीं पाया जाना। तौबा बा कहूं अगे सिधारे। हुण सतगुरु गुरु नानक साहिब राजे शिव नाभ दे इलाके तो हुंदे अगां नूं चाला पौंदे ने। जाए वड़े कित समुंदर मझारे। कहिंदे इक समुंदर दे विच सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज इक मच्छ नूं तारन वास्ते गए जिहड़ा राजे जनक दे शराप नाल मच्छ दी जून दे विच भटक रिहा सी। संगल दीप लंघ और केते। कहिंदे इह टापू लंघ लंघ के सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने जहान नूं तारिया है। खालसा जी दसम दी बाणी विच वी आउंदा है केते कछ मच्छ केते उन को करत पछ केते अछ वछ होए सपछ उड जाहेंगे। के कितने ही जीव जंतु संसार दे विच विचर रहे केवल इंसान नहीं, कितने ही मच्छ ने कितने कछुए ने। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी बाणी दे विच 84 लख जूना जोने कली कली जून दा नाम लैके दसिया, ए सारियां जूना रब दियां बनाईयां। ते मैं कई बार सोचदा गुरु नानक साहिब दे अंदर किन्नी के दया होवेगी, किन्ना के प्यार होवेगा खालसा जी, के सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज उन्हां उन्हां इलाकियां नूं लंघ के सच्चे पातशाह ने भला किता जिन्हां इलाकियां बारे असी कदे सुनिया भी नहीं, जिन्हां इलाकियां बारे असी जाणदे भी नहीं, ते असी उस गुरु दे सिख हां जिन्हें खालसा जी मन विच रोस नहीं किता, बल्कि ऐसी दया ऐसी दयालता गुरु नानक दे चेहरे ते सी कि जेड़ा दुख विच हुंदा सी सच्चे पातशाह समुंदर लंघ के भी अपने सिख दा भला करदे सी। सो अज सानू भी चाहीदा ऐसे सतगुरां दे दीदारे करन वास्ते
रोज चरण परसन वास्ते सतगुरां दी बख्शिश दे पात्र बनन वास्ते रोज गुरु दरबार विच हाजरियां लवाउणियां चाहीदियां। जिन के परत ना निज को भेते, कहिंदे सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने उन्हां नूं तारिया जिहड़े अपने आपे नूं भुल चुके ने। बाबे की गत बाबो जाणै, सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज की वडियाई भाई रतन सिंह भंगू कहिंदे कहिंदे गुरु नानक साहिब की गत गुरु नानक साहिब महाराज की वडियाई सतगुरु आप ही जानते साडे तो दसी नहीं जानी। क्या हों कथी कथे कथ देखा मैं अकथ ना कथना जाई, कथना कथी ना आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। खालसा जी करोड़ा ही कथा वाचक आए, सदियां तो गुरु दी कथा कर रहे आ, करोड़ा कथा वाचक इस समय भी कथा कर रहे ने, आने वाले समय दे विच भी गुरु बाबे दे जीवन दी गुरबाणी दी कथा करनगे, पर फिर भी गुरु नानक दी वडियाई दा अंत नहीं पाया जाना, बाबा बेअंत है। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, सतगुरु गुरु नानक साहिब दी वडियाई सतगुरु आप ही जानदे ने, पर जे किनकह मात्र वडियाई दी सोझी सानू पै जावे ते सच्चे पातशाह दी बाणी दे बचन ने किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। असी एक बार भी गुरु नानक दी वडियाई कर लिए बाबा साडी झोलियां जरूर भरदा है। हम उसकी किम शक्त बखान, भाई रतन सिंह भंगू कहंदे मैं किस तरह गुरु नानक दी शक्ति नू बयान करा, गुरु नानक दी अजमत नू बयान करा। बाप जन्म क्या बेटो कह, क्योंकि जिस तरह बाप दे जन्म बारे बेटा नहीं दस सकदा इस तरह बाबे दी वडियाई बारे असी नहीं दस सकदे। वेखो किन्नी निर्माणता भाई रतन सिंह भंगू दे अंदर है। शहीदां दे परिवार तों खालसा जी तालुकात रखदे ने, दादे शहीद नानके शहीद पिता शहीद। भाई रतन सिंह भंगू ने इतना अनमोल खजाना इतिहासक ग्रंथ पंथ दे सपुरद किया, पर फिर भी जो गुरु नानक दी वडियाई की कहिंदे मेरे तो वडियाई नहीं होनी, बाबा बेअंत है ते मैं अनजाण हाँ, मेरे तो वडियाई बयान नहीं की जानी। ते माफ करियो जे एक दिन जपजी साहब करके हंकार कर लिया, एक दिन गुरु बाबे दे दरबार विच गुरु घर आके सेवा करके हंकार कर लिया, फिर खालसा जी हजे सिखी तो कोसों दूर रह गए। सो सिखी सानू नीवा होना सिखाउंदी है, नमाणा होना सिखाउंदी है, क्योंकि इह नमाणियां दा माण है, जिहड़े पहलां ही माण लै के आउण उहनां नूं माण नहीं मिलदा। जिहड़े नमाणे बन के आउंदे ने माण उहनां दी झोली विच गुरु नानक साहिब जरूर पाउंदे ने। ਬਾਬਾ ਕੀ ਗਤ ਬਾਬੋ ਲਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਤ ਦੇਸ ਬਾਬੋ ਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਓਹੇ ਭੂਲੇ ਬਹੁ ਮੂਰਖ ਕੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਹਿ ਜਹਿ ਚਰਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਉਨ ਲੋਕਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਮਸਾਲ ਤਹਿ ਥਾਂ ਬਨਵਾਈ, ਔਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਓ ਸਿੱਖ ਤਹਿ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿੜਾਈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਠ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਅਜ਼ਮਤ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਤ ਲੈਣ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਗੁਰ ਤਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿਆਲਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਣ ਮੰਗੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ,
कोई महाराज कोलो तान मंगे इथे तान मिलदा है, कोई सच्चे पातशाह कोलो धन मंगे इथों धन मिलदा है। मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे, सच्चे पातशाह जी महाराज कोल मने इच्छा मुरादा पूरियां हुंदियां, क्योंकि साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब कुछ है, जिस देहे सो पावे। भाई रतन सिंह पंगू कहंदे जो भी गुरु नानक तो जिसने मंगिया, गुरु नानक साहब ने एक पल भी एक खिन भी नहीं लाया, बल्कि सच्चे पातशाह ने ओदी झोलियां जरूर भरिया ने। दोहरा मरदाना बाबे कही होश रही मन माहे। कहंदे हुण भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब दे कोतकां नूं वेख के एक मन दा फुरना दसदे ने। और सैल हम बहु करे काबो देखियो नाहे। कहण लगे बाबा जी बड़े देश वेख ले पर हजे तक काबा नहीं वेख्या, क्योंकि भाई मरदाना जी ओ इस्लाम मत विच जन्म लैंदे आ, ते सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने एक आप ही खेड रची। महाराज ने मक्के मदीने जाण वास्ते भाई मरदाना जी कहंदे महाराज बड़े देशां दी यात्रा कर ली पर हजे तक काबे मक्के मदीने आपां नहीं गए। चौपाई तौ बाबा जी उसे फरमायो। ता गुरु नानक साहिब भाई मरदाना जी वल मुस्कुरा के वेखण लगे ते प्यार नाल भाई मरदाना जी नूं कहण लगे तै हम किम नह अगे बतायो। कहण लगे मरदानिया तू मैनू पहला क्या क्यों नहीं, जे तेरे मन विच काबे जान दा फुरना सी तू पहला क्यों नहीं किया। जब कह तो तब देत दिखाई। तू मैनू एक बार कहंदा ते सही, तू जदो कहंदा मैं उदों ही तेनू मक्के मदीने लै जांदा। किन्ना के प्यार भाई मरदाने नाल गुरु नानक दा होएगा के सच्चे पातशाह से प्यार भरे बचन भाई मरदाना जी नाल करदे ने। कैसी थी यह देर लगाई। भाई मरदाने नू कहंदे मरदानिया इन्नी देर क्यों ला दित्ती, जो मन विच आउंदा मैनू बिना झिझक तो कह दिया कर। तब सतगुर अखी मिटवाई। उस वक्त भाई मरदाने नू कहंदे ने मरदानिया अखा मीच जाए खुलायो हज काबे थाए। ते जदों अखां खोलियां खालसा जी उदों सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज मक्के मदीने पहुंचे हुए सी। साडे मन विच आवेगा ते करामात हो गई, ते करामात गुरु घर च है नहीं। मैं बेनती करा इत्थे करामातां दा खजाना है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं पुछिए कि गुरु नानक कोल करामात है, ते गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने जेते जी जीवे ले साहा, जी वाले तां के असा, नानक ज्यों ज्यों करते भावे त्यों त्यों दे ग्रा। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे गुरु नानक उस ताकत दा मालक है जेडे लोक स्वासां नाल जींदे रहिंदे ने, जे बाबा अपनी मौज विच आ जावे बिना स्वासां तो भी ज्योंदिया रख सकदा है। खालसा जी एक ताजदीन होया, उन्हें सतगुरु गुरु नानक साहिब दे अरब देशां दी फेरी लिखी है। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨੂਲਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਜਦੀਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਜਦੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਕਾਬੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਜਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਤਾਜਦੀਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬੋਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਤੇਜ ਵਧਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਹੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਬਾ ਸੀ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਜਦੀਨ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਸਤੈਕ ਹੁਸੈਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤਾਜਦੀਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਤੈਕ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਤਕ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ, ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ,
जो अखां खोलियां ते सामने काबा सी, किस तरह मक्के मदीने काबे विच गुरु नानक ने चोज वरताए ते सच्चे पातशाह ने खुदा दे घर बारे दसिया, ओ आपां कल नूं सरवण करांगे। सच्चे पातशाह ने तरस करके अज दे दिन हाजरी भरवाई है, बोलदिया नेका भुलां होईयां आप जी ने बख्श देना। अरदास करनी जो सुनिया सुनाया आपां सारे अपने जीवन विच कमा सकीए, ते बेनती है कल नूं 5 फरवरी नूं जिथे बसंत पंचमी है ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का विवाह दिहाड़ा भी है, सच्चे पातशाह कलगियां वाले सतगुरु का कल विवाह भी होया सी, आनंदपुर साहब की धरती तो अगां जा करके खालसा जी गुरु के लाहौर बड़ा वड्डा जोड़ मेला गुरु खालसे पंथ वालों मनाया जाता है। उत्थे कल नूं इस अस्थान ते अमृत संचार होना है, ते जिन्ने प्राणी अमृत छकना चाहते होण, खंडे बाटे की पोल लैनी चाहते होण, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 3 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਦੋਂ 5 ਛਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਬੁਰੀ ਆਈ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਚੂਲੇ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਠ ਦੁਆਰਾ ਗਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 5 ਚੂਲੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੂਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਾਢ ਪੀਐ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 5 ਚੂਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਪਾਓ, ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਛਕੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੋਲ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्व मैं दुख पंजन गुण तास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाकै सदा बबेक, हे अपरंपर हर हरे हैपी होवन हार, हे संत के सदा संग निदाराया धार, हे ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दीजै नाम दान राखो हिए परोए, आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल, कथा निता प्रत होत है सुनो सो सिंह सुजान, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करें कल्याण, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करें कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਨਈਆ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ
पंथ प्रकाश की कथा श्रवण कराइए। आओ आप संगतान को 35 मिनटां लई सत्कार योग ज्ञानी दविंदर सिंह श्री आनंदपुर साहब वाले गुरमत विचारां।